नमस्कार दोस्तों, आपके भरोसेमंद YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, ये वैकेंसी निकली हुई है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंतर्गत, जो कि जूनियर एसोसिएट कंप्यूटर कस्टमर सपोर्ट एंड सेल्स के लिए हैं। इसके अंदर आप देख सकते हो ऑनलाइन फॉर्म भरे जाने हैं, जो कि 7 नवंबर 2022 से 27 नवंबर 2022 तक भरे जाएंगे। इसके लिए आप बैंक की वेबसाइट https://bank.sbi/career पर जा सकते हैं, या फिर दूसरी वेबसाइट है https://www.sbi.co.in career पर भी जा सकते हैं। इसमें काफ़ी वैकेंसी निकली हुई हैं, हर डिस्ट्रिक्ट की अलग अलग वैकेंसी हैं, और हमारे भूतपूर्व सैनिकों के लिए इसमें रिजर्व कोटा अलग दिया गया है। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी दूंगा कि कितनी वैकेंसी हैं और ये फॉर्म किस प्रकार से भरना है। साथ ही आप अपने नज़दीकी डिस्ट्रिक्ट में कैसे बच सकते हैं, ये वैकेंसी जिसमें आप एक बार आपकी नियुक्ति होने के बाद आपका ट्रांसफ़र होना संभव नहीं है, इसलिए आप अपना सोच समझ करके भर सकते हैं। इंटर सर्किल ट्रांसफ़र या इंटर स्टेट ट्रांसफ़र पॉसिबल नहीं है। जो भी भर रहे हैं आप सोच समझ के भरिए। सोमकार, ये वैकेंसी है अहमदाबाद गुजरात के अंतर्गत। यहाँ पर टोटल जो वैकेंसी इस प्रकार से हैं, गुजरात में उनके लिए गुजराती लैंग्वेज आनी चाहिए, SC की 25, 53, ST की 53, OBC की 95, EWS की 35, जनरल की, और टोटल मिला के 354 वैकेंसी हैं, जिसके अंदर हमारे 15 वैकेंसी हमारे 35 वैकेंसी भूतपूर्व सैनिकों के लिए और 15 वैकेंसी डिसेबल्ड भूतपूर्व सैनिकों के लिए हैं। बेंगलोर कर्नाटका के अंतर्गत टोटल 316 वैकेंसी हैं, जिसमें से 316 में से 31 वैकेंसी हमारे भूतपूर्व सैनिकों के लिए हैं। दोस्तों, आप अपने हिसाब से भर सकते हैं। साथ ही बंगाल के अंदर हैं, मध्य प्रदेश में भोपाल और छत्तीसगढ़ के अंदर हैं, इनके लिए लैंग्वेज हिंदी है, और 38 पद हमारे भूतपूर्व सैनिकों के लिए हैं। साथ ही 380 पद जनरल कैटेगरी के लिए हैं, सभी कैटेगरियों के लिए हैं। बंगाल के अंदर वेस्ट बंगाल में और सिक्किम में, यहाँ पर 340 वैकेंसी हैं, जिसमें भूतपूर्व सैनिकों के लिए 34 वैकेंसी हैं और डिसेबल्ड के लिए 5 वैकेंसी हैं। सिक्किम में 2 वैकेंसी हमारे भूतपूर्व सैनिकों के लिए और 1 वैकेंसी डिसेबल्ड पर्सन के लिए है। भुवनेश्वर उड़ीसा के अंतर्गत टोटल 17 वैकेंसी हमारे भूतपूर्व सैनिकों के लिए हैं। चंडीगढ़ में जम्मू कश्मीर जो रीजन है, ये रीजन दिए गए हैं, चंडीगढ़ के अंतर्गत जो रीजन आता है उसके अंतर्गत जम्मू कश्मीर, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और पंजाब, इनके अंदर जो वैकेंसी हैं वो इस प्रकार से हैं। जम्मू कश्मीर में टोटल 35, इनमें 3 वैकेंसी भूतपूर्व सैनिकों के लिए और 1 डिसेबल्ड के लिए। हरियाणा में 5 वैकेंसी हैं, जिसमें भूतपूर्व सैनिकों के लिए कोई वैकेंसी नहीं है। हिमाचल प्रदेश के अंदर 5 वैकेंसी हमारे भूतपूर्व सैनिकों के लिए दी गई हैं, 2 डिसेबल के लिए हैं। पंजाब में पंजाबी या हिंदी दोनों एक सफर करनी चाहिए, एक चीज़ आनी चाहिए, कि 13 वैकेंसी भूतपूर्व सैनिकों के लिए और 5 वैकेंसी जनरल के लिए हैं। चेन्नई के अंदर और पांडिचेरी के अंदर टोटल 355 वैकेंसी हैं, जिसमें से 35 वैकेंसी भूतपूर्व सैनिकों के लिए और 15 वैकेंसी डिसेबल के लिए हैं। पांडिचेरी और दिल्ली के अंदर आता है दिल्ली और उत्तराखंड, जिसके अंदर 32 वैकेंसी दिल्ली के अंदर हैं, 120 वैकेंसी उत्तराखंड के अंदर हैं, जिसमें 3 वैकेंसी हमारे भूतपूर्व सैनिकों के दी गई हैं और 1 वैकेंसी डिसेबल्ड के लिए है। उत्तराखंड से 12 वैकेंसी हमारे भूतपूर्व सैनिकों के लिए और 5 वैकेंसी डिसेबल्ड के लिए हैं। अगला है हैदराबाद, जिसमें तेलंगाना आता है, जहाँ से 22 वैकेंसी हमारे भूतपूर्व सैनिकों के लिए हैं और 10 वैकेंसी डिसेबल्ड पर्सन के लिए हैं, डिसेबल्ड भूतपूर्व सैनिकों के लिए हैं।
जयपुर के अंदर राजस्थान, मतलब राजस्थान में जयपुर में हिंदी लैंग्वेज होनी चाहिए, जिसमें 284 पद हैं, जिसमें 28 पद हमारे भूतपूर्व सैनिकों के लिए दिए गए हैं और 12 पद डिसेबल्ड भूतपूर्व सैनिकों के लिए दिए गए हैं। केरला के अंदर आता है केरला और लक्षद्वीप, जिसके अंदर 28 पद हमारे भूतपूर्व सैनिकों के लिए दिए गए हैं और 12 वैकेंसी हैं हमारे डिसेबल्ड भूतपूर्व सैनिकों के लिए। लखनऊ दिल्ली उत्तर प्रदेश के अंदर, जिसमें हिंदी और उर्दू मांगी गई है, इसमें 631 वैकेंसी हैं, अत्यधिक पद हैं, जिसमें 63 पद भूतपूर्व सैनिकों के लिए और 27 पद डिसेबल्ड भूतपूर्व सैनिकों के लिए दिए गए हैं। साथ ही आगे महाराष्ट्र, मराठी लैंग्वेज होनी चाहिए, इसमें 74 पद दिए गए हैं भूतपूर्व सैनिकों के लिए और 32 पद दिए गए हैं डिसेबल्ड भूतपूर्व सैनिकों के लिए। टोटल पद हैं 747। महाराष्ट्र के अंदर गोवा, जिसके अंदर 50 पद हैं, जिसमें 5 पद हमारे भूत पसंद के लिए दिए गए 10% के हिसाब से और 2% डिसेबल्ड पसंद के लिए दिए गए हैं। आसाम में 258 पद हैं, जिसमें 25 पद दिए गए हैं हमारे भूत पसंदों के लिए और 11 पद हैं डिसेबल्ड भूतपूर्व सैनिकों के लिए। बाकी पद हैं वो जनरल ST SC OBC मेल फीमेल सभी के लिए निर्धारित किए गए हैं। दोस्तों इसमें मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा जो नॉर्थ ईस्ट में आते हैं उनके भी पद इसमें दिए गए हैं, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए जो दिया गया है वो इस प्रकार से हैं, जो वैकेंसी होगी जिस कैटेगरी में आप आते हैं उसी कैटेगरी से ली जाएगी। इसके लिए आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा, आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। एज लिमिट 1/1/2022 को 20 साल से कम नहीं हो और 28 साल से अधिक ना हो। साथ ही जो छूट दी गई है वो इस प्रकार से दी गई है, SC ST के लिए 5 साल, OBC के लिए 3 साल, PWD के लिए 10 साल, अगर PWD SC ST है तो 15 साल, PWD OBC है तो 13 साल। साथ ही हमारे भूतपूर्व सैनिक और डिसेबल्ड एक्सेसिबल हैं उनके लिए जितनी उन्होंने सर्विस की है रिटायरमेंट के बाद प्लस 3 साल की छूट, एक्चुअल पीरियड जो सर्विस की है वो घटाने के बाद प्लस 3 साल, यानी टोटल 8 साल दी गई है। साथ ही डिसेबल्ड पर्सन उनके लिए 8 साल होनी चाहिए, लेकिन मैक्सिमम एज 50 साल से ऊपर न हो। साथ ही विडोज और डिस्कवर्ड वुमेन के लिए जो दिया गया इस प्रकार से है, 7 साल, मैक्सिमम एज 35 साल से ऊपर न हो। जनरल और जनरल कैटेगरी के लिए इडवर्स की 30 साल, OBC और 40 साल दी गई है SC ST के लिए। जब फॉर्म भरते हो आप, फॉर्म भरने के बाद कोई चेंजमेंट नहीं होगा, इसलिए आप फॉर्म सोच समझ के भरें। दोस्तों ये जो फॉर्म है ये पूरा नोटिफिकेशन दिया गया है, आप नोटिफिकेशन ध्यान से देखिए, इसके अंदर जो मुख्य बातें हैं वो मैं बता रहा हूँ। आप जो आपका एग्ज़ाम होगा वो दो फेज में होगा, पहला होगा प्री एग्ज़ाम, फिर सेकेंडरी होगा। तो जो फर्स्ट एग्ज़ाम होना है पी वाला, उसके अंतर्गत इंग्लिश लैंग्वेज होगी, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड होगा और रिलायबिलिटी होगी। 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क के होंगे, टाइम 1 घंटे का होगा। इस चीज़ का विशेष ध्यान दें, ज़्यादातर जो समय है वो रीजनिंग में और मैथ में इसमें निकल जाता है और हम क्वेश्चन पूरे नहीं कर पाते हैं, तो उस टाइम मैनेजमेंट करना पर ज़रूर ध्यान दें। साथ ही सेकंड एग्जाम होना है जनरल फाइनेंशियल अवेयरनेस का होगा, जो 50 क्वेश्चन होंगे, 50 मार्क होंगे, 45 मिनट टाइम होगा। जनरल इंग्लिश होगा 40 क्वेश्चन होंगे, 40 मार्क होंगे, 45 मिनट टाइम होगा। एप्टीट्यूड टेस्ट होगा 50 क्वेश्चन, 50 मार्क, 45 मिनट का टाइम। रीजनल एबिलिटी एंड कंप्यूटर टेस्ट होगा 50 मिनट का टाइम, 50 मार्क और 40 मिनट का टाइम होगा। टोटल 2 घंटे 40 मिनट के अंदर होना है, जिसमें 190 क्वेश्चन होंगे और 200 मार्क का होगा। दोस्तों आप अपने एग्ज़ाम अपने हिसाब से भर सकते हैं, एग्ज़ाम संपूर्ण भारत के हर राज्य में दिया गया है, जैसे कि अंडमान निकोबार, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, छत्तीसगढ़, दमन दीव, दिल्ली, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर,
कर्नाटका, केरला, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, उड़ीसा, पांडिचेरी, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल, 31 राज्य और यूटी को मिलाकर के सभी के अंतर्गत एग्जाम सेंटर आपको दिया गया है। आप अपने निकटतम जो भी सेंटर भरना चाहते हैं आप भर सकते हैं। दोस्तों इसके अंदर जो पे स्केल रहेगा वो काफ़ी अच्छा है, मैं आपको दिखा देता हूँ। पे स्केल 17,900 से 1,000 प्लस यानी 20,900, ये अलग अलग दिया गया। स्टार्टिंग सैलरी रहेगी आपकी 19,900 से होगी, यानी उसमें प्लस इंक्रीमेंट जुड़ते जाएंगे। और सबसे बड़ी चीज़ है कि जो हमारे भूतपूर्व सैनिक हैं उनके लिए खराबी होती है, जिस सैलरी से वो पेंशन जाते हैं उसकी एक इंक्रीमेंट लाने के बाद वहाँ से सैलरी उनकी शुरू होती है, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान दें। दोस्तों इसके लिए फीस की बात करते हैं। एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, ईएसएम के लिए कोई फीस नहीं है, निल है। और ओबीसी और जनरल के लिए 750 रुपये फीस दी जाती है। तो दोस्तों आप ये फॉर्म भर सकते हैं और इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो दोस्तों ये थी इस वैकेंसी संबंधित मुख्य जानकारी। ऐसी ही वैकेंसियाँ इस चैनल के माध्यम से दी जाती हैं जो कि पूर्ण तैयार नोटिफिकेशन के आधार पर होती हैं। दोस्तों आपने देखा हुआ बीच में कई दिन तक वैकेंसी न होने के कारण कोई वीडियो मैं नहीं डाल पाया था, क्योंकि वैकेंसियाँ नहीं थी। जब तक सही वैकेंसी नहीं आएगी तब तक यहाँ पे कोई वीडियो नहीं आएगी। दोस्तों आपसे एक अनुरोध है, हो सकता है कि आपको जॉब की आवश्यकता न हो लेकिन आपके परिवार में या रिश्तेदार में किसी को भी इस प्रकार की जॉब की आवश्यकता हो तो आप उन तक सूचित जरूर करें। उन तक व्हाट्सएप या फेसबुक या जैसे भी आप चाहते हैं उस माध्यम से उन तक पहुँचाएँ, ताकि वो भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकें। काफ़ी अच्छा पद है, सम्मानजनक पद है, तो उसका वो भरपूर लाभ उठाएं। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।